नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर किसी भाई का न्यूड वीडियो बनना है, कोई व्हाट्सएप से कॉल किया है, अनजान नंबर से कॉल आया है और उसने रिसीव कर लिया है और उसकी स्क्रीनशॉट लेके कोई वीडियो एडिट करके वीडियो बना लिया गया है और वो बहुत ही बड़ी डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो अब क्या किया जाए, किस तरीके से वीडियो को डिलीट किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी चैनल पर फ्रॉड से संबंधित, फ्रॉड से सावधान वाले वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए अब वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी अनजान लड़की की रिक्वेस्ट आती है, अनजान लड़की के नाम से कोई रिक्वेस्ट आती है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करिएगा। और अगर आपके पास कोई भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है तो उसको रिसीव नहीं करिएगा, क्योंकि वो वीडियो कॉल आपकी फ़ोटो ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है रिसीव करते ही, और आपका एक अश्लील वीडियो के साथ उसको अटैच किया जा सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो अब देखिए, अगर किसी भाई के साथ ऐसा हुआ है, उसका वीडियो बना है, उसने कोई रिसीव किया है कॉल, अनजाने में कर लिया है, या वो कहीं पहले से किसी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ था, जो अनजान लड़की का नाम से कोई रिक्वेस्ट आई थी, जो लड़की के नाम से रिक्वेस्ट आई थी, दरअसल में लड़की नहीं थी, कोई फ्रॉड व्यक्ति था और उसके चक्कर में वो फंस गया था। काफ़ी दिन तक उससे बातें की, उसके बाद में एक दिन वीडियो कॉलिंग करके उसके साथ थोड़ी सी अश्लील हरकत हुई और उसका स्क्रीन रिकॉर्ड के द्वारा उसका वीडियो बना लिया गया। अगर इस तरीके से आप कोई फंसे हैं, आपका कोई वीडियो बना है, आपके परिवार या आपके किसी मिलने वाले का कोई ऐसा वीडियो बना है, तो दोस्तों अनजाने में हो चुका है, जो हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन अब उसको पेमेंट नहीं दें। वो क्या क्या कोशिश करेंगे आपका पेमेंट लेने के लिए, देखिए, आपको बार बार धमकाएंगे, डराएंगे, आपका वीडियो वायरल करने के धमकियाँ देंगे, लेकिन उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा, नज़दीकी पुलिस स्टेशन की सहायता ले सकते हो, या उसको पैसा तो बिल्कुल देना ही नहीं है, पैसा नहीं देना है। अगर आपने एक बार पैसा उसको दे दिया है, पैसे ट्रांसफ़र उसको कर दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपके वीडियो वायरल होने के चांस अधिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आप पैसे नहीं दोगे तो वो ऐसा सोचेगा कि यार वास्तव में इसके पास कुछ नहीं है, अपन क्या इसको परेशान करने में क्या मतलब निकलेगा। वो आपको एक दो बार कहेगा, चार बार कहेगा, बाद में वो किसी दूसरे कस्टमर में दिमाग लगाएगा, आपका पीछा छोड़ देगा। अगर आपने एक बार उसको 2-4-5 हज़ार रुपये सेंड कर दिए, तो ये श्योर है कि वो आपका पीछा कतई नहीं छोड़ने वाला है, आपको बार बार धमकाएगा, आपको बार बार डराया जाएगा, वीडियो वायरल कर देंगे, साइबर क्राइम को बता देंगे, वो कर देंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी पुलिस आ जाएगी, इस तरह से बार बार आपको डराया जाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर अपन डर जाएंगे तो वास्तव में अपने साथ ठगी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, इस तरह से बचिएगा, किसी का भी अनजान कॉल रिसीव नहीं करें, किसी को भी अनजान लड़की की रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करें, उसको उसी की भाषा में जवाब दें। कोई अनजान कॉल आपके पास आता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इसको अटेंड करना चाहिए, तो आप एक काम करिएगा, बैक कैमरा करके उसको रिसीव कीजिएगा, या इस कैमरे के ऊपर ऐसे अंगुली लगा के आप उसको रिसीव कर सकते हैं, लेकिन सामने आप डायरेक्ट उससे वीडियो कॉल नहीं करें। अगर आपने वीडियो कॉल पे डायरेक्ट बात की है, उठा लिया है, तो आपका स्क्रीन शॉट ही ले लिया जाएगा, उसके बाद में एडिट वीडियो कर दिया जाएगा। काफ़ी लोगों ने इस तरीके से, काफ़ी लोग फंसे हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे, काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं, उन्होंने पैसे भी ट्रांसफ़र किए हैं। तो फिर से मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप फेसबुक पे किसी अनजान लड़की का मैसेज आता है तो उसका जवाब नहीं दें, व्हाट्सएप पे अगर कोई वीडियो कॉल आता है, इंस्टाग्राम पे आता है या फेसबुक पे आता है, तो उसको रिसीव नहीं करें, बैक कैमरा करके ही उसका वेरीफाई करके ही उसको रिसीव करें। अब बात आती है कि अगर वीडियो बन गया है तो अब उसको कैसे डिलीट करवाएं, अब क्या उपाय है अपने कि उसको डिलीट करवाएं, या वो कितने दिन को उसको सेव कर सकते हैं, कितने दिन बाद में वापस अपन को धमकाया जा सकता है। तो देखिएगा, सबसे मेन यही है कि डिलीट करवाने का उसको पैसे कतई नहीं दें, वो आपको उसको ब्लॉक कर दें, आपको बार बार धमकियां देगा, आपको कह दो, उसको कह दो तू जो करना है कर ले, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है भाई,
मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपका पीछा छोड़ देगा। अब क्या करेगा, अगर आपको इससे नहीं होता तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। आप ज़्यादा तनाव में हैं तो आप जाके वहाँ संपर्क कर सकते हैं, आपकी ज़रूर हेल्प होगी। अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प की है और आपकी भी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको किस तरीके से वो वीडियो की धमकियाँ देते रहते हैं। आपको एक तो YouTube के ऊपर वायरल करने की धमकी दी जाएगी, एक आपको पैसे लेने के लिए साइबर क्राइम से कॉल आएगा, जबकि वो कोई साइबर क्राइम से कॉल नहीं आएगा, वो उन्हीं का दूसरा बंदा कॉल करेगा, कहेगा कि मैं साइबर क्राइम से वो इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ, आपका एक वीडियो आया है, अगर आप पैसे नहीं सेंड करोगे तो आपका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई साइबर क्राइम वाला नहीं करता है, वो उन्हीं के बंदे आपको कॉल करते हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उसका जवाब उसी की भाषा में दे कि आप चाहे साइबर क्राइम से बात कर रहे हो, मैं आप अगर आपके पास साइबर क्राइम का कॉल आता है तो उसको कहिए कि आप कॉल को चालू रखिए, मैं थाने जा रहा हूँ, आपको वहाँ से स्टाफ वाले से बात करवा दूंगा, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये पैसे नहीं देने वाला। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब कई लोग पूछते हैं कि सर ऐसा अगर वीडियो किसी का बनता है तो उसको अगला बंदा कितने दिन तक सेव रखता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने एक बार पेमेंट भेजा है तो आपका वीडियो सेव रखेगा 100%, क्योंकि उसको पता है ये पैसे दिए हैं इसने और आगे भी और पैसे देगा अपन को। आप उसको पैसे कतई नहीं भेजिएगा, पैसे अगर भेजोगे तो वो आपका 2 महीने रख सकता है, 3 महीने भी रख सकता है, 4 महीने भी रख सकता है, क्योंकि उसको शक ऐसा ही रहेगा कि ये पैसे भेजे हैं तो और भी पैसे भेजेगा, और जो पैसे नहीं भेजेगा उसके लिए वो क्या करेगा, सोचेगा यार इसके पास कुछ नहीं है, अपन फालतू इसमें क्यों दिमाग लगाएं, अगले व्यक्ति भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो उसका चांस ज़्यादा रहता है वीडियो डिलीट करने का। जो पैसे भेजता है उसको डिलीट करने का कम चांस रहता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि और भेजेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, अगर वीडियो आपका बना है तो उसको पैसे कतई नहीं दें, हमसे संपर्क करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका इस तरीके से कोई भी पैसे मांगते हैं, साइबर क्राइम से कॉल आता है, कहीं से भी आता है, तो उसको कतई विश्वास नहीं करें, उसको कतई पैसे नहीं देवें, ठीक है साथियों। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं हर व्यक्ति का जवाब देऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।